हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज कुछ तिलक विलक लगा के स्वागत करने का मेरा किसी का कुछ मन नहीं है भाई लोग। मैं परेशान हो गया हूँ, बस बहुत हो गया यार। रेलवे 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 बहुत हो गया यार। बहुत व्यूज पा लिए आप लोगों ने, बहुत पैसे कमा लिए, अब बस बहुत हो गया भाई लोग, अब तो बख्श दो। दोस्तों आज मैं आप लोगों से अपनी कुछ दिल की बात बताना चाहता हूँ। यह यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ व्यूज और पैसे कमाने के लिए रेलवे के या फिर रेलवे की वैकेंसी के बारे में आपको बता रहे हैं। सिर्फ यूट्यूब की ही बात नहीं है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी ऐसे हैं जो अर्जी फर्जी चीज़ न्यूज़ चैनल में बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बना बना के। बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो सिर्फ अपने न्यूज़पेपर की बिक्री को बढ़ाने के लिए कुछ भी कुछ उसमें छाप रहे हैं आर्टिकल। और ये तो ठीक है, यूट्यूबर्स भी उन्हीं आर्टिकल को फोटो खींच खींच के वीडियो बनाए जा रहे हैं। एक ही आर्टिकल के ऊपर तीन तीन चार चार वीडियो बना दे रहे हैं। भाई कुछ तो कॉमन सेंस लगा लो यार, कुछ तो कॉमन सेंस लगा लो। आया क्या, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पोस्ट आई क्या 50,000 पोस्ट? 20 फरवरी को कोई फॉर्म निकला क्या? नहीं निकला ना। इसके ऊपर पहले मैंने वीडियो तुम लोग को बना के बता दिया था कि कुछ नहीं आने वाला है, फिर भी यार वीडियो बनते गए बनते गए बनते गए। लोग देखे भी हैं उन वीडियोस को, पता नहीं कौन सी फर्जी वेबसाइट से में वो छपा था कि एएसएम की 50,000 पोस्ट निकलने वाली है 20 फरवरी को। अब लोग बोल रहे हैं कि अभी 12 मार्च को गुड्स गार्ड्स की वैकेंसी आने वाली है और पता नहीं क्या क्या आने वाला है। अरे भाई लोग, हमारा इंडियन रेलवे का सिस्टम है, दो फॉर्म निकल चुके हैं, एक साथ निकल चुके हैं, इनकी वेबसाइट पर ऑलरेडी इतना लोड है, और क्या मतलब। और थोड़ी ना इन लोग यार सेम टाइम में तीसरा फॉर्म निकाल के अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारेंगे यार। कुछ तो थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ यार। दो फॉर्म ऑलरेडी निकले हुए हैं, 31 मार्च तक वेबसाइट में बहुत ज्यादा भीड़ है, उसके बाद कैसे तीसरा फॉर्म निकाला जा सकता है अभी 12 मार्च को, या फिर मार्च में ही कैसे तीसरा फॉर्म कोई निकाला जा सकता है? निकल गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी। मैं खुद चाहता हूं कि आप लोगों की जॉब लगे, फॉर्म निकले 50,000, 1 लाख, 25 लाख, 50 लाख पोस्ट निकले यार, निकले लेकिन फॉर्म निकले, आप लोग की जॉब लगे। मैं गलत साबित हूं मार्च में? क्या आज ही निकल जाए फॉर्म? मैं तो बोलता हूँ मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन भाई लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार। तो फॉर्म ऑलरेडी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप भी ऑलरेडी निकला हुआ है, मार्च में तीसरा कैसे निकलेगा यार? मतलब कुछ भी न्यूज बना दो अपने से, मतलब व्यूज पाने के लिए। सब्सक्राइब मतलब चैनल वाले पता है अपने सब्सक्राइबर हाइट कर देते हैं, लाइक हाइट कर देते हैं, डिसलाइक हाइट कर देते हैं, कमेंट्स हाइट कर देते हैं, और कुछ भी बनाए जा रहे हैं ना, कुछ भी बनाए जा रहे हैं। मतलब कहीं से कोई खबर मिल गई, कहीं न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लिया, कोई सड़ा सा आर्टिकल देख लिया, वीडियो बना दिया। मैंने आज तक रेलवे के ऊपर जब भी वीडियो बनाया है भाई लोग, CEN 1 2018 जिस दिन निकला उस दिन बनाया, CEN 2 2018 जिस दिन निकला उस दिन वीडियो बनाया, जो मैंने SSC और JEE की, जो मैंने RRB SSC JEE की जो मैंने वीडियो बनाई थी, जहां मैंने आपको बताया था बिलासपुर जोन में इतनी वैकेंसी खाली है, वो PC त्रिपाठी जी ने हमको बताया था, इसलिए मैंने वो बनाया। जो मैंने अभी वीडियो बनाई 2 दिन पहले की रेलवे का मोबाइल ऐप आने वाला है, उसमें मैंने डायरेक्ट जनरल सेक्रेटरी से बात की नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के, तब जाके मैंने वो वीडियो को बनाया। तो क्यों मतलब कहीं कोई कुछ भी लिख सकता है यार, कोई मेरी भी वेबसाइट है, मैं अभी कोई भी आर्टिकल छाप सकता हूँ यार, बैठे बैठे mechanicalguru.in में कोई भी आर्टिकल छाप सकता हूँ, 50 लाख वैकेंसी निकाल सकता हूँ मैं रेलवे की, और वीडियो बना के बता दूंगा आप लोग को, आ भी जाएंगे ना व्यूज, ऐसा नहीं है व्यूज नहीं आएंगे। लेकिन क्यों यार, मतलब ऐसा कौन करता है पता है? मतलब जो एकदम गिरे हुए लोग रहते हैं ना, जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, और यही कारण रहता है उन लोग का आगे नहीं बढ़ने का, सिर्फ यही कारण रहता है वो न्यूज़पेपर बिक नहीं पाते, सिर्फ यही कारण रहता है वो न्यूज़ चैनल चलते नहीं है, और सिर्फ यही कारण रहेगा कि जो यूट्यूब चैनल आज रेलवे 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 कर रहे हैं ना, रेलवे का जब खत्म हो जाएगा ना, कोई व्यूज नहीं आएंगे उनके चैनल पे, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और आपको यकीन नहीं हो रहा है तो अभी पीछे जाके देख लो, जब रेलवे का वैकेंसी नहीं निकली थी तब जाके देख लो उनके चैनल पे कितने व्यूज आते थे, और रेलवे के जब से उन्होंने डालना चालू किया कितने व्यूज आने लगे हैं।
इन लोग बता रहे हैं कि कौन सा एग्जाम बोर्ड नहीं, इन लोग बता रहे हैं कि कौन सा बोर्ड आपके लिए बेस्ट है, किस बोर्ड से आप रेलवे का फॉर्म भरेंगे तो आपको गारंटी सक्सेस मिलेगी, गारंटी सक्सेस। भाई इस कारण पता है, इस कारण पता है तुम लोग को कितने लोग अपना फॉर्म को मॉडिफाई किए हैं जा जाके, कितने लोगों को एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन फीस देनी पड़ी है इस कारण, कितने लोगों के पैसे अटक गए हैं, कितने लोगों का फॉर्म अभी तक अटका हुआ है वेबसाइट में सिर्फ इसी कारण क्योंकि तुम लोग के ये वीडियो की आपने गलत बोर्ड में फॉर्म भर दिया है, दूसरे बोर्ड में भरो वहां से तुम्हारा एकदम जॉब तय हो जाएगी। भाई ये सब क्या है यार, मतलब कुछ नंबर तुमको पता चल गए कि इस बोर्ड में इतने फॉर्म भरा गए, इसमें इतने भरा गए, इसमें कम भरा है तो तुम लोग उसमें भरो। अरे मतलब यार ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब जिसको जोन सा पोस्ट में जाना है, अगर आपको टेक्नीशियन बनना है तो आप वो देखो कि टेक्नीशियन की पोस्ट ज्यादा कहाँ पे है, वहां जाके फॉर्म भरो। हाँ मानता हूँ जहां पोस्ट ज्यादा है वहां पे ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे, लेकिन जहां पोस्ट कम है वहां पे आप ज्यादा एप्लीकेशन अगर दे दोगे तो क्या मतलब रहेगा यार उस चीज का, मतलब इतनी ज्यादा गलत चीजें YouTube में रेलवे के नाम पे फैलाई जा रही हैं, इतने ज्यादा वीडियोस लगातार बनाए जा रहे हैं। SSC स्कैम के बारे में मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, हजारों वीडियो YouTube में ऑलरेडी बन गए, ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो चीज जैसी चलती है, मतलब फालतू में किसी को कुछ चीज बताना या फालतू में कोई चीज को एकदम बढ़ा चढ़ा के बताना या फालतू में किसी चीज को एकदम नीचे गिरा के बताना, ये तो गलत बात है ना यार। SSC का स्कैम हुआ, मैं अपने चैनल में वीडियो बना देता, 5000 लोगों को और पता चल जाता, कुछ ज्यादा फर्क पड़ता क्या? आखिर प्रोटेस्ट तो हो रहा है ना, जिनके साथ गलत हुआ है भाई, जिनके साथ गलत होता है ना वही समझ सकता है कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। मैं नहीं समझ सकता या मेरा कोई दूसरा व्यूअर नहीं समझ सकता उस चीज को कि उसके साथ गलत हुआ है या सही हुआ है कि क्या हुआ है। जहां तक रही आप लोग बोलते हो कि हम लोग इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं, तो भाई जानकारी अगर तुम लोग दे रहे हो तो अपना खुद से रिसर्च करो ना यार, खुद से जाके ढूंढो ना जानकारी, काहे के लिए किसी अर्जी फर्जी वेबसाइट में जाके उनके आर्टिकल को फोटो खींच के स्नैपशॉट खींच के अपना वीडियो बना दे रहे हो, काहे के लिए किसी न्यूज़पेपर का फोटो खींच के तुम लोग वीडियो बना दे रहे हो। मतलब भाई थोड़ा तो खुद कभी रिसर्च कर लो, खुद थोड़ा पता लगा लो जाके कि क्या ये न्यूज है, क्या ये खबर है, सही है। बस कोई न्यूज दिखी नहीं, मतलब इंटरनेट में कोई चीज दिखी नहीं, व्हाट्सएप पे कोई चीज दिखी नहीं, तुरंत एकदम मतलब फड़फड़ा जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, वीडियो बनाओ सबसे पहले। अरे मेरे भाई एक बार चेक कर लिया करो न्यूज को कि न्यूज कहां से आ रही है, किस सोर्स से आ रही है, कौन बता रहा है, एक भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं रहता, एक भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं रहता। अब मार्च में ये आएगा, मार्च में वो आएगा, आ जाए भाई आ जाए 50,000 1,00,000 10,00,000 पोस्ट आ जाए मैं खुश हूं, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा होने के चांसेस कितने कम हैं, ये क्यों नहीं समझ रहे हो? दो फॉर्म ऑलरेडी निकले हुए हैं, उसके ऊपर से और कैसे हो सकता है यार, अभी मार्च में कैसे हो सकता है? 2,50,000 वैकेंसी निकलने वाली है, 3,00,000 वैकेंसी अरे यार बस बहुत हो गया यार। मैं भाई लोग आप लोगों से बता देना चाहता हूं, अगर रेलवे का कोई फॉर्म निकलेगा तो मेरे चैनल पे वीडियो बनेगा, इसके अलावा मेरे चैनल में कोई वीडियो रेलवे से रिलेटेड नहीं बनेगा, और अगर मैं कोई रेलवे से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं तो मैं कोई ऑथेंटिक सोर्स का नाम बताऊंगा। जैसे मैंने अभी मोबाइल ऐप का वीडियो बनाया था, वहां मैंने जनरल सेक्रेटरी जी का नाम भी लिया है वीडियो में, और उनके साथ जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वह भी शेयर किया, उन्होंने अपने मुंह से बताया कि 100% ट्रस्टेड है और फ्री में यह ऐप आने वाला है। तो मैं अगर कोई वीडियो बनाऊंगा
तो मैं पूरी जानकारी लेके पता करके कंप्लीट, मतलब क्या मतलब है यार आप लोगों को गुमराह करके, क्या मतलब होगा? आप लोग तो, जो लोग देखते हो मेरे को, आप लोग तो ज्यादातर लोग इंजीनियर्स हो, आप लोग तो समझते होंगे, लेकिन भाई लोग इस फॉर्म को जो ज्यादा लोग भर रहे हैं वो लोग टेंथ और आईटीआई वाले हैं, उन लोग को ये सब चीजें समझ में नहीं आती कि यूट्यूब में हर कोई आपका अच्छा नहीं चाहता है। YouTube में हर कोई सिर्फ आपके लिए नहीं है, कई लोग सिर्फ 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 पैसे कमाने के लिए हैं यार, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। इनके चक्कर में अपने फॉर्म को मॉडिफाई करने की, 250 रुपए देने की और इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इन लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स तैयारी कर पाए। हम महीने महीनों पहले उसे बता देते हैं, महीने महीने पहले से बता देते हैं कि फॉर्म आने वाला है। अरे मेरे भाई, क्या तुम्हारे नहीं बताने से जो स्टूडेंट इसकी तैयारी साल भर से कर रहे हैं वो तैयारी करना बंद कर देंगे क्या? जिनको यहां पे जॉब चाहिए वो तो तैयारी करते ही रहेगा ना यार। ऐसा है, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम अगर नहीं बताओगे तो कोई तैयारी नहीं करेगा। सबको पता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का रेलवे एग्जाम लेता है, सबको पता है जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होता है, सबको पता है ग्रुप सी का होता है, ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट होता है रेलवेज में, फॉर्म निकलते हैं, सब तैयारी करते हैं। और ये जो एसएससी का भी स्कैम हुआ ना भाई लोग, ये भी स्कैम सिर्फ कोचिंग सेंटर वाले ही किए होंगे। मैं कुछ बोल नहीं सकता लेकिन इसके पीछे भी यही मकसद रहा होगा कि हमारा कोचिंग सेंटर हिट हो जाए, हमारा हम जो क्वेश्चन बताए वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, हम हिट हो जाए और अगली बार ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ना है ताकि अच्छी खासी हमारी कमाई हो जाए। इसीलिए ये पेपर लीक हुआ एसएससी का, मुझे ऐसा लगता है। लगातार 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 बस रेलवे रेलवे रेलवे, क्या बोलूं यार। प्लीज भाई लोग, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज इसको बंद करो। अगर कोई न्यूज है, ऑथेंटिक न्यूज है, तो वह दो। 10 10 वीडियो एक ही एक टॉपिक पे मत बनाओ, टाइटल चेंज कर करके, थंबनेल चेंज कर करके, खुशखबरी 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 इतनी पोस्ट, खुशखबरी इतनी पोस्ट, पागल कर दिए हैं यार, पागल कर दिए हैं। मतलब ये अभी नहीं सोच रहे हैं कि ना लोग अपने फॉर्म को मॉडिफाई करेंगे इनके वीडियो को देख के, और उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा मॉडिफिकेशन का, सिर्फ चंद व्यूज के लिए, कुछ ऐड अपने यूट्यूब चैनल पे चलाने के लिए, कुछ ज्यादा पेपर की यूनिट बिकवाने के लिए, कोई ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए। इन लोग कुछ भी कुछ बोले जा रहे हैं यार, कुछ भी कुछ बोले जा रहे हैं। बस भाई लोग, मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ यार आज आप लोगों से, और ज्यादा मेरा कुछ, इस वीडियो को शेयर कर देना यार अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना भाई बस इस वीडियो को। और मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं बोलना चाहता, ये ठक ठक भी चालू हो गई यार, मेरे घर के बगल में काम लगा है, उस कारण भी मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ यार ढंग से टाइम पे। देखो ना, ठक 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 ठक, चलता हूँ भाई लोग, जय जवान जय किसान।